नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने YouTube चैनल अंकित अवस्थी में स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों के अच्छे रहने की आशा करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं फिर से नई वीडियो के साथ आपके पास आ चुका हूं और जैसा कि आप देख ही सकते हो कि मैं इस समय बारा देवी में हूं और वहां का आज का जो अपडेट है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और मैं इस समय बारा देवी चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ और आपको ये दिखाऊंगा कि क्या काम हुआ है और कैसे हुआ। तो भाई, आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है जो आप लोगों को जान के बहुत ही अच्छा लगेगा कि भाई कानपुर में जो बारा देवी है वहाँ पर फिर से नया अपडेट आ गया है। वो ये है कि भाई वहाँ पर जो है एक नई मशीन मुझको खड़ी हुई दिखाई दी है जो कि क्रेन है, और वो जो आप दूर से देख रहे हैं वो लंबा वो क्रेन नहीं है। मुझको ये जैसे दिखी वैसे ही मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दी। भाई छोटे छोटे मैं ऐसे ही अपडेट देता रहता हूँ अपने वीडियोस में और अपने चैनल पर। तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोगों की मान दया होगी, और वीडियो को मेरे शेयर कर दीजिएगा। तो भाई मैं अब आगे चल रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई कहाँ और आगे कहाँ पर काम क्या चल रहा है। तो भाई चलते हैं थोड़ा सा आगे और बताते हैं आप लोगों को कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम हो रखा है। तो भाई आप जैसा सब ये देख सकते होगे कि आगे ये जो आपको टावर टाइप का नज़र आ रहा है, जबकि ये टावर नहीं है, ये क्रेन है। तो मैं आपको इधर ये दिखाने आया हूँ कि भाई कि यहाँ पर काम अब धीमे धीमे शुरू हो रहा है, जो कि ये सब पहले कभी कुछ नहीं था अभी तक। सो अब ये धीमे धीमे गाइस आ चुका है और ये पहली क्रेन है जो यहाँ पर आगे खड़ी हुई है। वही मेरे को आप लोगों को दिखाना था काम थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है और आगे क्या क्या हो रहा है और कौन कौन सी नई नई मशीनें आई हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और सब कुछ दिखाऊंगा। मेरे चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो पर आखिरी तक बने रहिएगा कि मैं आपको और देखिए अच्छी अच्छी कोशिश करता हूँ, चीज़ें दिखाता हूँ। और भाई चलते हैं थोड़ा सा आगे और जैसे जैसे करीब आता जा रहा हूँ वो क्रेन जो है पास आती जा रही है और बड़ी दिखती जा रही है। इस समय मैं SR पेट्रोल पंप के पास आ चुका हूँ जो कि अब नायरा में तब्दील हो चुका है। और जैसा कि ये देख सकते होगे कि यहाँ पर बस खोद के थोड़ा बहुत डाल दिया है और अब धीमे से इसमें मशीन आना शुरू हो चुकी है भाई। सो गाइस अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, दिखाते हैं कि आगे अब क्या काम है और कैसे चल रहा है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो भाई इस समय मैं बारा देवी आ चुका हूँ चौराहे से, लमसम मुश्किल से थोड़ी ही सी दूर हूँ और अब बस धीमे धीमे आगे बढ़ता जा रहा हूँ और आपको आगे दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आगे क्या क्या दिखा सकता हूँ आपको और क्या नहीं। तो भाई चलते हैं अभी आगे और यहाँ पर काम ने थोड़ी सी स्पीड पकड़ ली है और भाई देखो कितने दिनों में यहाँ पर काम शुरू हो जाता है और कायदे से फिलहाल इसको ख़त्म होने में तो अभी 2-2.5 साल लग जाएंगे। देखो कितना समय लग जाता है यहाँ पर काम ख़त्म होने पर, और जब काम ख़त्म होगा तो भाई हमारी मेट्रो पूरी तैयार हो चुकी होगी, हम लोग उस पर बैठने के लिए एकदम तैयार हो चुके होंगे और बैठेंगे और शहर पर पूरे शहर में घूमेंगे और जहाँ जाना होगा किसी को वहाँ जाएगा, क्योंकि भाई नौबस्ता से लेके IIT तक का अभी सफ़र तय हुआ है जो कि बन रही है। फिलहाल IIT से लेकर के मोती झील तक की मेट्रो बन चुकी है और वो चालू भी हो चुकी है। और अभी देखा जाए वहाँ पर थोड़ा कम गैदरिंग होती है, कम लोग चढ़ते हैं उस पर। जब यहाँ से नौबस्ता से लेके IIT तक का काम शुरू हो जाएगा तो भाई उम्मीद तो यही करता हूँ कि मेट्रो थोड़ी सी सक्सेस हो जाएगी। अभी भी सक्सेस है फिलहाल थोड़ी सी, और आप ये देख सकते होंगे कि मैं आप कागज दिखाने के लिए आ गया हूँ कि वहाँ यहाँ पर थोड़ी सी मशीनें और आ चुकी हैं। और ये देखिए कुछ यहाँ पर गड्ढा करने का काम चल रहा है और ये
वो जो आपका होता है खंबा, वो उसके जाल तैयार हो गए हैं और एक क्रेन ये खड़ी हुई है और देखने में अच्छा लग रहा है कि भाई काम अच्छे से चल रहा है और तेज़ चल रहा है। और अभी आपका जो है गल्ला मंडी से भी काम शुरू हो गया, तो किसी दिन ऐसा होगा कि मेरे को अगर थोड़ा सा मौका मिला नहीं कि मैं गल्ला मंडी से लेकर के नौबस्ता बाईपास तक की वीडियो बनाने को तैयार हूँ और वहाँ पर जाऊँगा और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो भाई चलते हैं अभी थोड़ा सा आगे और ये देखिए आप यहाँ पर काम अच्छे से चल रहा है। और ये भी मैं थोड़ा सा बारह देवी चौराहे के पास ही बहुत हूँ और वहाँ से वहाँ का आपको लुक दिखा रहा हूँ। तो भाई जैसा मुझको थोड़ा सा सब मौका मिला कि मैं वीडियो बना सकूं और आप लोगों को दिखा सकूं, तो मैंने सोचा कि और आगे थोड़ा सा वर्क अपडेट आपको दे सकूं क्या काम चल रहा है आगे। तो आप इधर देख सकते हो कि यहाँ पर बैरिगेटिंग के जस्ट बगल में एक गड्ढा कर दिया गया है और रस्सी बांध दी गई ताकि कोई उधर ना जा सके, और उधर गार्ड बैठा है। उससे मैंने थोड़ा पूछने की कोशिश की तो उसने यही बताया कि बस बहुत ही जल्द और तेज़ काम शुरू हो जाएगा और हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।